मोदी वो आदमी नहीं है। अच्छा, ये भगवान राम कृष्ण का धरती है और मोदी का रूप में राम कृष्ण भेज दिया इसको। मोदी जी लग रहा है मोदी जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा, एकदम अच्छा लग रहा है। तीसरी बार हैट्रिक के अलावा भी आने वाले हैं क्या? वो तो रहे ना। अच्छा, तो मोदी जी जो बोल रहे हैं 400 पार सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, पार 400-500 पार हो जाएगा मोदी जी। तीसरा बार नहीं, 30 बार, उसके अलावा कोई है ही नहीं। अगर आया कोई तो फिर उसके बाद योगी बाबा। उन्होंने डिजिटल इंडिया को बहुत ही आगे किया है और अभी आने वाला अभी 5 या 10 साल भी अभी बीजेपी रहेगी। अभी और 10 साल बीजेपी। हाँ, अभी बीजेपी रहेगी। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। नहीं, आप फोटो खिंचाने के लिए आप जाइए, आप फोटो खिंचा सकते हैं। जे इससे वो करना है, ऐसे करना है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ विकास के नाम पर मोदी जी ही है। पीआरबी अभी हम बंगाल में मौजूद है। जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन 2024 को आने में कुछ ही दिन रह गए हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी गारंटी बांट रही है, गावों और दावों की बरसात हो रही है, लेकिन जनता किसके साथ जाना चाह रही है? 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, जनता आखिर पुल बूथ पर जो जाएगी किसके साथ भरोसा कर रही है? जनता आखिर क्या उम्मीद लेके जाएगी पुलिंग बूथ पर? इस बार बदलाव के मूड में है जनता या तीसरी बार मोदी जी के हैट्रिक करा रहे हैं? 24 में किसको ला रहे हैं वो तो समय बताएगा। मोदी जी के 10 साल का सफर कैसा लगा? ठीक लगा। तो बदलाव करेंगे या मोदी जी को ला रहे हैं? वो तो देखिए जैसा रहेगा वैसा करेगा आदमी। भरोसा किस पे करें? मोदी जी का गारंटी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। तो इस बार फिर से ला रहे हैं मोदी जी को? हाँ, देखा जाएगा। क्या लग रहा है 24 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, मोदी जी का कैसा लगा 10 साल का सफर? ला रहे हैं मोदी जी को फिर? जरूर फिर ला रहे हैं मोदी जी को। फिर ला रहे हैं? हाँ। किस आधार पे जनता इस बार वोट डालने वाली है? किस आधार पे? विकास के आधार पे। विकास के आधार पे? विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है विकास। विपक्ष तो आरोप लगा रहे कि विकास नहीं हुआ है, धर्म के नाम पे। देखिए विपक्ष ने कुछ किया नहीं है, इसीलिए वो देख के आरोप लगा रहा। अच्छा, हाँ, विपक्ष ने कुछ नहीं किया है। तो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकला है, लोग उसमें भारी तादाद में जुड़ रहे हैं, लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के रथ को रोक पाएंगे? अरे ठीक है, नेता है, उनको देखने के लिए आदमी जाता है, लेकिन वोट में नहीं बदलेगा। वो वोट में नहीं देंगे? नहीं देंगे। मोदी जी जो बोल रहे हैं अब की बार 400 पार सही है? बिल्कुल सही है। 400 पार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 400 से ज्यादा सीट आएंगे। मोदी जी का क्या काम अच्छा लगा जिस आधार पर इस बार वोट डालने वाले हैं? देखिए मोदी जी ने जो भी कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, या देश के अंदर में किया है, या देश के बाहर भी किया है, या जो हमारे देश के बाहर में जो हमारे भारत देश की जो एक हुआ है, नाम हो रहा है बाहर में, जो डंका बज रहा है, कैसे? हाँ, पता चला कि बाहर में डंका बज रहा है? क्यों नहीं बज रहा है? आजकल के हर देश से जो भी अमेरिका है, ब्रिटेन है, जो भी बड़े बड़े देश हैं, वो सब भारत का वहाँ भारत का डंका बज रहा है। वो सब भारत का लोहा मान रहे हैं, मोदी जी का लोहा मान रहे हैं। बिल्कुल मान रहे हैं। हाँ, मान रहे हैं। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? मोदी जी का 10 साल का सफर कैसा लगा? मोदी जी लग रहा है मोदी जी? अच्छा लग रहा है। अच्छा, एकदम अच्छा लग रहा है। तीसरी बार तीसरी बार हैट्रिक के अलावा भी आने वाले हैं क्या? वो तो रहे ना। अच्छा, तो मोदी जी जो बोल रहे हैं 400 पार सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, पार 400-500 पार हो जाएगा मोदी जी। विपक्ष नहीं जाएगा? नहीं देगा। तो विपक्ष तो बोल रही है कि सिर्फ इनका दावा है, बोलने दीजिए। राहुल के पास दिमाग है? विपक्ष नहीं है क्या बचा हुआ? विपक्ष नहीं बचा। अच्छा, क्या लग रहा है गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, रोक पाएगी बीजेपी को? किसको? गठबंधन तो टूट गया है कहाँ? अच्छा, नीतीश कुमार के टूटने से नहीं चला गया था उसमें? अच्छा, दीदी है गठबंधन में, लेकिन दीदी तो बोलिए कि आगे बीजेपी से भी नहीं जुड़ेगी। आप हमको बताएं दीदी गठबंधन में है कहीं पे? नहीं, गठबंधन नहीं। तब अच्छा, तीसरा बार नहीं, 30 बार, उसके अलावा कोई है ही नहीं। अगर आया कोई तो फिर उसके बाद योगी बाबा। अच्छा, उनका नाम सुनने से तो जानते हैं। बोल रही है कि अगला बार जैसे यहाँ बीजेपी को रोका गया था बंगाल में, इस बार भी रोका जाएगा? पहला बार 2 सीट, दूसरा बार 70 सीट, इस बार पूरा पार हो जाएगा। इस बार पूरा पार हो जाएगा 100 में 100। लेकिन दीदी तो बोल रही है यहाँ खेला हुआ, यहाँ बीजेपी को क्या बोल रहे हैं? हमसे ज्यादा पढ़े लिखे आप लोग हैं। अच्छा, या नहीं है तो फिर समझाने का कोई बात ही नहीं है। क्या लग रहा है भैया 24 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को, किसको ला रहे हैं? जो था वही है अभी यहाँ बीजेपी रहेगी? बीजेपी रह रहे है। अच्छा, बीजेपी को आखिर जो पोलिंग बूथ पे इस बार जनता जाएगी 24 के इलेक्शन पे, क्या लेके जाएगी, क्या सोच के जा रही है जनता पोलिंग बूथ पे? जो इस बार जा रही है जनता, जाएगी वोट डालने के लिए, आखिर क्या सोच के जा रही है, उनके मन में क्या चल रहा है? मोदी देखिए मोदी वो आदमी नहीं है। अच्छा,
ये भगवान राम कृष्ण का धरती है और मोदी का रूप में राम कृष्ण भेज दिया इसको। अच्छा मोदी जी ही भगवान है क्या? हाँ। तो राम जी तो यहाँ पहले से थे, क्या लग रहा है कि मोदी जी लाए राम जी को? अच्छा वो बना करके भेजे हैं। अच्छा तो क्या लग रहा है वोट जो इस बार मिलने वाला है धर्म के आधार पर मिलने वाला है? विकास के नाम पे मोदी का विकास मिलने वाला है? मोदी का आज जो विकास जो हो जो रहा है, देखिए कोई भी घर में जब घर बनाता है आदमी ना तो एक बेड़ा घर नहीं ना रख देता है, नींव खोदता है, दीवाल बनाता है, तो उसमें टाइम लगता है ना, समझे कि नहीं? तो मोदी जो काम जो कर रहा है अभी नहीं दिखाई देता है ना, लेकिन ये लोग का राजनीति खत्म हो रहा है। ये लोग का राजनीति जब खत्म हो जाएगा तो कोई तो पूछेगा नहीं। अच्छा। पांच क्लास लड़का कहीं प्राइम मिनिस्टर होता है, औंठा मर का प्राइम मिनिस्टर होगा। मोदी जी पे भी आरोप लगाते हैं वो जो है क्या अरविंद केजरीवाल बोलते हैं चौथी फेल ला रहा है ना भटियाला का, उसका नाम ही मत लीजिए। ऐसा इस आदमी का नाम लेते हैं यार, सलाह नौकरी करके सलाह क्या सुंदर नौकरी करता था, राजनीति में क्यों गया? राजनीति उसके लिए है। वो तो बोल रहे की पांच मांगे मेरी पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, शिक्षा दे दो, मेडिकल सही कर दो, सब सही है, सब सही हो रहा है धीरे धीरे। सब तो पढ़े लिखे अरविंद केजरीवाल हमको तो नहीं लगता, पढ़ा लिखा रहता था दिख रहे थे सलाह चोर दिख रहे थे सलाह दिल्ली का सलाह सलाह में बोलिए और पैक बनाने के लिए। तो क्या लग रहा है इस बार जनता बदलाव के मूड में नहीं है, मोदी जी का हैट्रिक करवा रहे हैं? 100 में 100 आएंगे मोदी जी के अलावा। जाइए बनारस में बोल के देखिए, आदमी से नहीं लेडीज से। अच्छा लेडीज लोग से पूछिए, 60 साल लेडीज का बुढ़ा से पूछिए तो आप बिना टिकट कटे। अच्छा क्या बोल रहे हैं? 24 का इलेक्शन है, सिर्फ इतना बता दीजिए किसको ला रहे हैं? बंगाल में दीदी आएगी, बंगाल में दीदी आएगी। हाँ। मोदी को रोक रहे हैं दीदी आने से? एक तो बार। अच्छा युवाओं को क्या तकलीफ है? युवाओं जो इस बार 24 पे इलेक्शन में वोट डालिएगा, किस आधार पे वोट डालिएगा, क्या पोलिंग बूथ पे क्या अपना सोच लेके जाइएगा? पहले तो हम सब जनता लोग को आशीर्वाद देना चाहते हैं, चाहे कुछ भी, हम लोग का जाएंगे वोट देने के लिए। आखिर क्या चल रहा है मन में जो इस बार वोट डालेंगे, किस आधार पे वोट डालेंगे? मोदी जी को ला रहे हैं या फिर मोदी जी के काम से खुश नहीं है तो बदलाव कर रहे हैं, क्या नहीं? मोदी जी के तो नाम से हम खुश हैं, क्योंकि अच्छा। कितना डिजिटल जमाना आ गया, ये सब का डिजिटल जमाना आ गया जी, ये सब मोदी जी सब शिक्षक लोग को अच्छा से सूचना एथी कर रहे हैं, ये सब सब अच्छा है मोदी जी का। 10 साल के सफर में सबसे अच्छा काम कौन सा लगा मोदी जी का? 10 साल में सबसे अच्छा मोदी जी का काम क्या लग रहा है? 24 का जो लोकसभा इलेक्शन है क्या प्रभाव आने वाला है? 24 में बदलाव हो रहा है, जनता बदलाव के मूड में है या मोदी जी का हैट्रिक करा रही है? नहीं देखिए, जनता तो बदलाव के मूड में नहीं है, बदलाव के मूड के बाद मूड में नहीं है। अच्छा मोदी का ही फिर से शासन आएगा। अच्छा। मोदी जी ने जो काम किया अपने देश के लिए सबसे बड़ा वो काम किए हैं, इंडिया को अपना डिजिटल इंडिया बनाए हैं, एक जो UPI जो उन्होंने शुरू किया है आज UPI का लोहा पूरा वर्ल्ड मान रहा है। अच्छा हाँ, तो कहने का मतलब है कि उन्होंने डिजिटल इंडिया को बहुत ही आगे किया है और अभी आने वाला अभी 5 या 10 साल भी अभी बीजेपी रहेगी, अभी और 10 साल बीजेपी। हाँ, अभी बीजेपी रहेगी। विपक्ष तो बोल रही कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, तो क्या लग रहा है? देखिए विपक्ष का काम ही है कहना कि भाई अगेंस्ट पार्टी नहीं रहेगी। अच्छा उनको भी चांस मिला काम करने का लेकिन वो लोग नहीं कर पाए तो अब वो लोग उस पर इल्जाम लगाए गए हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा था ये तो आज का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस इतने दिनों से शासन कर रही है देश में फिर भी वो इस समस्या को क्यों समाधान नहीं कर पाई? उसके हाथ में सब कुछ था, आपके हाथ में, आप नहीं कर पाए। आप बीजेपी को जब चांस मिला तो उन्होंने इस मुद्दा को खत्म किया। अच्छा, अपना मंदिर बनवाया तो फिर इसमें क्या है? ये तो अच्छा काम हुआ है। ठीक, इलेक्शन से पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जो कि अभी कंप्लीट नहीं था, यहाँ बंगाल में मेट्रो का उद्घाटन हुआ, CAA लागू हुआ, ये सब क्या प्रभाव पड़ेगा 24 के इलेक्शन में? देखिए इस सब का जब से CAA का जब से घोषणा हुआ है तब से इसे बहुत ज्यादा इसे वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। अच्छा हाँ, दीदी तो बोलिए कि बंगाल में CAA नहीं लागू होने देंगे। नहीं देखिए उनका मान का नहीं है, सेंट्रल लॉ का नहीं होना देगा, इन्हीं को हम लोग CAA लगा देगा। अच्छा सेंट्रल का नियम है, नियम लगेगा ही, लगेगा ही। घाटा क्या है? बोलिए कि CAA का फूड फार्म उससे पूछ के आइए तो बोलिए CAA जो है नागरिकता देने के लिए, नागरिकता छीनने के लिए नहीं, लेकिन दीदी बोलिए कि यहाँ पे हम नहीं ला। ना 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 नहीं, उनके देखिए उनके लाने ना लाने से नहीं होगा, ये सेंट्रल का नियम है, ये लेट सबेरे उसको मानना ही पड़ेगा। हर आदमी को अपना नागरिकता का प्रमाण देना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। क्या 24 में किसको ला रहे हैं? 24 में मोदी जी खुश है? मोदी जी से। मोदी जी का 10 साल का सफर कैसा लगा? और 20 साल रहेंगे। मोदी जी का 2-3 काम ऐसा बताइए जो आपको ज्यादा पसंद आया हो। बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ और मोदी जी बहुत काम किए हैं। अच्छा तो काम का नाम एक आध दो बताइए। अरे बहुत, डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया के आधार पर इस बार वोट डालने वाले। अच्छा रोजगार भी कोई मसला है इस बार? रोजगार विपक्ष जो आरोप लगा रही है रोजगार है,
यहाँ पे बेरोजगारी है, शिक्षित नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही युवाओं को? नहीं नहीं, सब भैया ठीक 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 ही है जी, यहाँ सब पढ़ाई लिखाई, यहाँ शिक्षित आदमी है। अच्छा। काम धंधा अपना यहाँ कोई नहीं भी कहीं से हेल्प मिलेगा तो यहाँ का आदमी इतना जागरूक है, सब अपना काम कर लेगा, अपना कमा लेगा, भूखे कोई नहीं मरेगा। अच्छा, पोलिंग बूथ पर जनता इस बार क्या उम्मीद लेके जा रही है? इतना जो दावों और गावों की गारंटियाँ चल रही है, मन से संबोधन हो रहे हैं, यात्राएँ निकल रही है, आखिर जनता किसके तरफ जाना चाह रही है? पब्लिक जनता सर, साफ सफाई है, जनता में कोई दिक्कत नहीं है। जनता अपना जनता को जो अच्छा लगेगा, जिसका काम अच्छा लगेगा उसको वोट देगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन समझेगा क्या हुआ नहीं हुआ, वो गिनेगा वो क्या है नहीं है सर। अच्छा। क्या बोल रहे हैं कल 24 में क्या लग रहा है जनता का मूड? जनता का मूड का जो काम करेगा वो जीतेगा। काम कौन कर रही है? काम अब यहाँ तो ममता बनर्जी कर दवाइन। ममता बनर्जी रोक पाएंगे यहाँ बीजेपी को आने से? नहीं, रोक ना पाएंगे, फिर भी टक्कर होगा, इस बार टक्कर होगा। दीदी तो बोल रही है कि दो बार उनको रोके, इस बार भी रोक लेंगे? नहीं, रोक लेंगे। माने कुछ सीट बढ़ेगा। अच्छा, कुछ सीट भाजपा का बढ़ सकता है। अच्छा, दिल्ली में किसको बैठा रहे? दिल्ली का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, जनता क्या अपने मन में सोच के जा रही है बूथ पे? देखिए, दिल्ली का तो उत्तम मोदी का फिक्स है, विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं जो मोदी को हटा सके। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। नहीं, आप फोटो खिंचाने के लिए आप जाइए, आप फोटो खिंचा सकते हैं, जो ऐसे वो करना है ऐसे करना है वो अलग बात है, लेकिन कुछ विकास के नाम पर मोदी जी ही है। अच्छा, रोजगार ठीक चल रहा है प्रधानमंत्री? हाँ हाँ, जो भी है मोदी जी का टाइम में बहुत अच्छा है। क्या लग रहा है अंकल 24 में क्या होने वाला है? 24 में जिसका है वही रहेगा। अच्छा, मतलब मोदी जी है, फिर मोदी जी ही रहेंगे? हाँ, वो ही रहेगा, कोई नहीं रहेगा। विपक्ष के पास ऐसा लग रहा है कि कोई चेहरा है जो मोदी जी के रथ को रोक पाएंगे? नहीं नहीं है, नहीं। मोदी जी एक अकेला सब पे भारी है, सही बोल रहे हैं? जो उसके साथ योगी जी है। अच्छा, भी तो है साथ में। अच्छा, योगी जी भी साथ में, चार मजबूती मिल रही है मोदी जी को? हाँ। अच्छा, मोदी जी को देश के लिए, चोरवा सब कह लें देश के लिए। अच्छा, मोदी जी देश के लिए सुरक्षित हाथ में देश हाँ, है। हाँ, अच्छा, 10 साल में मोदी जी का कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा लगा, आपको सब अच्छा किया, कहाँ नहीं खा, कहाँ खराब किया, सब अच्छा किया। जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि रोजगार नहीं है, महंगाई भी मुद्दा है, अंगूठा तो क्या किया? बोले कि 14 में 400 का सिलेंडर था, अभी 1100 का है, तो उस समय मजदूरी भी कम था, मजदूरी भी ज्यादा है। अच्छा, भी तो बात है। अच्छा, उस समय मजदूरी कम था, मजदूरी भी ज्यादा है। तो इस बार जनता आखिर किस आधार में वोट डाली? डेवलपमेंट के नाम पे डाली? हाँ, हर जगह सड़क, रोड, रास्ता, कहाँ नहीं है मोदी, कहाँ नहीं किया। अच्छा, सब। नमस्कार, मैं शाहिद, और आप देख रहे हैं पीआरबी। अभी जैसा हम खिदिरपुर डक के पास है, यहाँ पे जनता से आपको मिलाते हैं, और जनता का मूड जो अभी चल रहा है 24 के इलेक्शन पे, जनता क्या कुछ सोच रही है इन सब चीज़ों को लेके, आप लाइव देख सकते हैं पीआरबी से, आप जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप अपनी बातों को रख सकते हैं कॉमेंट के माध्यम से।